अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो विद द ग्रैंड डिलाइट। आज मैं आपसे बनाना ब्रेड की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप सब बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए होगा। इसमें हम 2 कप मैदा शामिल करेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सिनामिन पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर रेडी है। इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेंगे। इसको एक साइड पे रख देंगे। फिर एक और बाउल लेंगे, उसमें हम अपना बनाना राइप का मिक्सचर तैयार करेंगे। 5 से 6 बनानास हमें चाहिए होंगे इसके लिए। बनानास को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये हमारे मैश्ड बनानास रेडी हैं। फिर एक बाउल में बटर ऐड करेंगे 1/2 कप। इसको विस्क की हेल्प से विस्क करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर 3/4 कप, साथ ही इसमें 2 अंडे शामिल करेंगे। इनको विस्क की हेल्प से अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। आप चाहें तो विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बीटर से भी इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। साथ ही इसमें हम अपना मैश्ड बनाना ऐड कर देंगे, और उसे भी हम बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। जब हमारा ये मिक्सचर बीट हो जाए, फिर इसमें ग्रेजुअली हम अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर शामिल करते जाएंगे, और उसे स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड करते जाएंगे। मैंने अपना ये जो मिक्सचर है, ये 3 बार ऐड किया है, और स्पैचुला से अच्छे से फोल्ड करते जाऊंगी। ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। अब एक पैन लेंगे, उसको बटर की मदद से ग्रीस कर लेंगे, और साथ ही उसमें बटर पेपर भी लगा देंगे, और उसमें हम अपना ये मिक्सचर फिल करेंगे। स्पैचुला की हेल्प से सेट कर लेंगे। अब इसे ओवन में बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए। ये हमारी बनाना ब्रेड बेक हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे डिश में सर्व करेंगे। इसे हम चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए।